भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। तीसरा मुकाबला 7 जनवरी को सिडनी में और आखिरी मैच 15 को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। पिछला टेस्ट 8 विकेट से जीतने वाली टीम इंडिया के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले चोटिल ईशांत शर्मा दौरे पर नहीं आए, इसके बाद मोहम्मद शमी और उमेश यादव चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में गेंदबाजी का पूरा दामोदार सीनियर स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा के साथ पेसर जसप्रीत बुमराह के कंधों पर आ गया है। हालांकि अश्विन और जडेजा के रिकॉर्ड्स और सीरीज के पिछले 2 मैचों में प्रदर्शन को देखें तो उन्हें टीम को बहुत अच्छे से संभाला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यदि ओवरऑल विकेट टेकर भारतीय गेंदबाजों को देखें तो उसमें मौजूदा टीम से अश्विन और जडेजा ही टॉप पर काबिज हैं। टॉप 10 लिस्ट में भी मौजूदा टीम से ये दोनों ही गेंदबाज हैं। एडलेड टेस्ट में अश्विन ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया था। सीरीज की 4 पारियों में अश्विन ने दिग्गज स्टीव स्मिथ को 2 बार जाल में फंसाया। अश्विन ने स्मिथ को बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहली बार 0 पर आउट किया था। ये मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा। यहीं से भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कसा और उसके खिलाफ लगातार दूसरा बॉक्सिंग डे टेस्ट भी अपने नाम कर लिया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 3 अहम विकेट लिए, साथ ही 159 बॉल पर 57 रन की शानदार पारी भी खेली। जडेजा ने कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ पहली पारी में 6वें विकेट के लिए 121 रन की बड़ी और निर्णायक साझेदारी भी की। इस मैच में अश्विन ने 5 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा था। दोनों ने शमी और उमेश की गैर मौजूदगी में टीम को शानदार तरीके से संभाला और ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को फिरकी में उलझाए रखा।